नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए सबसे बड़ी खबर लेकर आया हूँ जो कि है राजस्थानी यूनिवर्सिटी की। तो चलिए दोस्तों जो अपडेट है उसको पढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में, किसमें क्या क्या लिखा हुआ है आपके परीक्षा से लेकर और प्रमोट को लेकर। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ये जयपुर का है। सीबीएसई एवं राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं रद्द होने के बाद अब कॉलेजों की परीक्षा पर निर्णय का इंतजार है। और यहाँ पर देख सकते हो कुलपति बोले छात्रों को वैक्सीन लग जाए तो हम जुलाई तक भी परीक्षा कराने को तैयार। ये मतलब हर यूनिवर्सिटी के कुलपति चाहते हैं अगर वैक्सीन छात्रों को लग जाए तो हम कभी भी, यानी मतलब 1 महीने या 2 महीने में भी एग्जाम करवा सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन जरूरी है। बिना वैक्सीन एग्जाम नहीं लेंगे, क्योंकि बिना वैक्सीन अगर एग्जाम लेंगे तो उनको कोविड-19 का डर रहता है कि भाई किसी स्टूडेंट को अगर कोविड-19 हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर आप फट सकते हो दोस्तों। इसके लिए उस शिक्षा विभाग ने कमेटी बनाई जो 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया सर, 10 जून लास्ट डेट है। 10 जून को आपको फाइनल डिसीजन मिल जाएगा कि आप प्रमोट होंगे या आपके एग्जाम होंगे। कमेटी ने प्रदेश की यूनिवर्सिटीज के कुलपतियों से सुझाव मांगे हैं। विभिन्न यूनिवर्सिटी के कुलपति का कहना है कि परीक्षा से पहले छात्रों का वैक्सीनेशन जरूरी है और ये बिल्कुल नेसेसरी है। वैक्सीनेशन जरूरी है, बिना वैक्सीनेशन एग्जाम नहीं ले सकते। ससलेट हो चुका है, अब डिग्री की वैधानिकता के लिए परीक्षा कराई जाए और जुलाई तक भी परीक्षाएं कराई जा सकती है। फिलहाल संस्थानों में छुट्टियां चल रही है। तो दोस्तों अगर मतलब कि अभी ये 1-2 महीने बच रहे हैं, अगर इनमें करवाते हैं तो आपके एग्जाम तो हो सकते हैं, अगर नहीं करवाते हैं तो वो एग्जाम नहीं होंगे, आपको सीधा प्रमोट किया जाएगा। वो क्यों है दोस्तों? क्योंकि अगला सेशन भी स्टार्ट होगा और अगर मान लीजिए जैसे मतलब कि जुलाई अगस्त में लेते हैं एग्जाम, तो मतलब कि सितंबर अक्टूबर तक उनका परिणाम घोषित किया जाएगा, जिससे अगला सेशन जो नेक्स्ट सेशन है वो भी डिस्टर्ब होगा। और यहाँ पर देख सकते हो 25 से ज्यादा यूनिवर्सिटी 12.59 लाख नामांकन। प्रदेश में 25 से ज्यादा सरकारी यूनिवर्सिटी है जिसमें करीब 1776 कॉलेज संबद्ध है। इस साल इन कॉलेजों में 12.59 नामांकन हुई है। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में फर्स्ट ईयर में 1.71 लाख छात्र है। पिछले साल को देखते हुए भी ऑनलाइन परीक्षा कराने का कोई सिस्टम नहीं बना। आरयू राजस्थान यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर राजीव जैन, अलवर यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर जेपी यादव और जोधपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी की इन की माने तो छात्रों की संख्या ज्यादा होने की वजह से ऑनलाइन परीक्षा कराना संभव नहीं है। पिछले साल को देखते हुए भी ऑनलाइन परीक्षा कराने का कोई सिस्टम नहीं बना है। तो दोस्तों ऑनलाइन परीक्षा कराएंगे तो काफी दिक्कत भी आएगी सभी स्टूडेंट्स को, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट है। तो ये चाह रहे हैं, अगर मतलब कि इनका कहना है, वैसे दोस्तों आप प्रमोट हो सकते हो, इनका ओनली कहना है कि अगर वैक्सीन लग जाए सभी स्टूडेंट्स के तो हम परीक्षा ले सकते हैं। ये सभी कुलपति हैं जो भी जिस यूनिवर्सिटी के हैं, वो उनका कहना है कि अगर सभी स्टूडेंट्स को अगर वैक्सीनेशन हो जाए उनका तो उनका एग्जाम ले सकते हैं। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही। तो आई होप आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हो, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो दोस्तों गुड बाय।